आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। होली से पहले भले ही सरसों तेल के दाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस साल इसके सस्ते होने की भी संभावना बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चालू रबी सीजन में पिछले साल की तुलना में 26 लाख टन सरसों ज्यादा उत्पादन होने का अनुमान है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड यानी कि COOIT ने सरसों उत्पादन को लेकर अनुमान जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक COOIT के अध्यक्ष का कहना है कि मौजूदा रबी सीजन में कुल 111 लाख टन सरसों उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। पिछले रबी सीजन में 85 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था, मतलब यह है कि इस साल 26 लाख टन ज्यादा सरसों पैदा होने का अनुमान है। उनका कहना है कि ज्यादा उत्पादन होने से किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही सरसों तेल के दाम में भी कमी आने की पूरी उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू रबी बुआई सीजन में 10 दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक रेपसीड और सरसों का रकबा 81.66 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया था, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में रकबा 65.97 लाख हेक्टेयर था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।